नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है और अब खबरों को देते हैं विस्तार। ग्वालियर में 1000 बिस्तर के अस्पताल के भूमि पूजन को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है और भाजपाइयों द्वारा कार्यक्रम के विरोध में जमकर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। आमको स्थित भगवत सहाय सभागार में होने वाले इस आयोजन में पहुंच रहे कांग्रेस नेताओं द्वारा और जनप्रतिनिधियों को रास्ता रोककर घेराव किया गया, जिसमें कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल को भी भाजपाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा। तो वहीं पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए भाजपाइयों को कार्यक्रम स्थल से धकियाना शुरू कर दिया और जब ये नहीं माने तो पुलिस ने यहाँ हल्का बल प्रयोग कर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इसके जवाब में भाजपाई नेताओं ने यहां गिरफ्तारी भी दी। प्रदेश में श्रेय की राजनीति अब बवाल का कारण बनती जा रही है। ताजा घटनाक्रम में ग्वालियर में अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले पुलिस ने विरोध जता रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई। हालात इतने तनाव वाले हो गए कि पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। करीब 2 घंटे तक चले इस हंगामे के बाद पुलिस ने करीब 200 भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिनमें सांसद अनुप मिश्रा भी शामिल है। जो लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य चल रहे हैं उन कार्यों का दोबारा शिलान्यास करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें 1000 बिस्तर वाला भी है। इसका काम शुरू हो गया है, 16 में उसका बजट मंजूर हो गया है, टेंडर हो गया, सितंबर में काम प्रारंभ हो गया, उसके बाद ही कर रहे हैं उसका। इसी तरह सिविल हॉस्पिटल ग्वालियर, उसका भी इसी तरह भूमि पूजन किया और वहाँ जो जयवान सिंह जी का और नरेंद्र सिंह जी के नाम के जो लगे थे पत्थर, वो निकाल के शिलान्यास के पत्थर लगे हुए थे उनको निकाल के अपने पत्थर चिपका रहे। अन्याय के खिलाफ संघर्ष भारतीय जनता पार्टी का जारी रहेगा। अभी ये शुरुआत है, लेकिन जहाँ भी गलत काम होगा, गलत निर्णय लिए जाएंगे, कांग्रेस गलत काम करेगी, उसके हम विरोध में अपनी बात रखेंगे। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, झूठे वायदा था, 2 महीने हो गए, एक भी नया शिलान्यास नए काम का नहीं हुआ इस ग्वालियर में। 2 महीने में कोई नया काम प्रारंभ नहीं हुआ। जो काम भारतीय जनता पार्टी करके गई है उसी पे अपने पत्थर पे पत्थर चिपकाए जा रहे हैं। नेताओं के साथ जो अवैध व्यवहार हुआ उसकी हम जांच की मांग करते हैं और हमने पुलिस अधीक्षक को लिख के दिया है, ज्ञापन दिया है और निश्चित तौर पर उसके खिलाफ भी आगे संघर्ष जारी रहेगा। पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य के मंत्रियों को 1000 बिस्तर के अस्पताल का भूमि पूजन करना है, जबकि भाजपा नेताओं का दावा है कि इसका भूमि पूजन पहले ही शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जा चुका है। भाजपा नेताओं द्वारा 2 दिन से लगातार इस कार्यक्रम के बहिष्कार की धमकी दी जा रही थी। सांसद अनुप मिश्रा ने खुद इस आयोजन के विरोध प्रदर्शन का झंडा उठा रखा है। सुबह से ही यहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता कटोरा ताल और कार्यक्रम स्थल के आसपास जुटना शुरू हो गए थे और जैसे ही यहां कांग्रेस नेताओं का आना शुरू हुआ भाजपाइयों ने उनका घेराव शुरू कर दिया। कार्यक्रम स्थल के आसपास बड़ी संख्या में जुटे भाजपा कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी कर रहे थे। टकराव की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। Yeah.
दरअसल अस्पताल का ये प्रोजेक्ट शिवराज सिंह सरकार के कार्यकाल का है। कुछ तकनीकी पेच आने के कारण इसका भूमि पूजन नहीं हो पाया था। अब सरकार बदली तो स्थानीय कांग्रेस विधायक ने इस अस्पताल का भूमि पूजन और अंचल के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा करना तय किया। इसी बात को लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सुबह से ही यहां इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करते हुए उन्होंने सड़क भी जाम कर दी थी। एक हजार बिस्तर वाले इस अस्पताल के लोकार्पण को लेकर पिछले कुछ दिनों से भारी तनाव था। विरोध कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल को कार्यक्रम स्थल की ओर जाने नहीं दिया। देखिए, हम तो गांधी के अनुयायी हैं, किसी को मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है कि शहर की स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छी हों, शहर के अंदर पानी की व्यवस्था अच्छी हो, शहर की सड़क सुविधाएँ अच्छी हों, ये जिम्मेदारी हमारी है। मेरा कहना 15 साल में भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं पाई। 2005 में उद्घाटन किया इस 1000 बिस्तर के अस्पताल का बाबूलाल गौर ने, नहीं बन पाया। फिर 2009 में उद्घाटन किया शिवराज सिंह चौहान ने इस हॉस्पिटल का, नहीं बन पाया। तो 15 सालों में आप 1000 बिस्तरों का अस्पताल नहीं बना पाए, तो नाकामी आपकी है। आयुष्मान सिंधिया के प्रयासों से 1000 बिस्तरों का अस्पताल बनना है। आपके यहाँ पार्किंग व्यवस्था नहीं थी, 28 करोड़ रुपया पिछले महीने जो जिला मीटिंग थे तो सामने आया कि पार्किंग व्यवस्था नहीं है, ये पूरा प्रायोरिटी फेल हो जाएगा। 28 करोड़ रुपया खड़े खड़े सिंधिया जी ने तत्काल 24 घंटे के अंदर सेंसर कराया, पार्किंग व्यवस्था हुई। तो आज सिंधिया के प्रयासों से 1000 बिस्तर का अस्पताल बनना है, जिससे ग्वालियर अंचल की जनता को लाभ मिलेगा। एक अच्छा प्रयास है, तो इसमें तो भाजपा को धन्यवाद देना चाहिए। भाजपा धन्यवाद करने के बजाय हमला करने का काम कर रही है। अपनी गाड़ी से आ रहा था इस कार्यक्रम में, रास्ते में भाजपा युवा मोर्चे कार्यकर्ताओं ने मेरी गाड़ी को रोक के फतराब करने की कोशिश की, मेरे पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं होते तो निश्चित तौर पर मेरे हमला होता। कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पे आ गए, टकराव हुआ और मैं उसी रास्ते से आया। मैं कहना चाहता हूँ, मेरा कहना है, मुरैना सांसद ही पूछना चाहता हूँ कि वहाँ की जनता कह रही है, इश्तेहार लगा रही है कि हमारा सांसद लापता है, बताने वाले को 1,00,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो जिस जनता ने सांसद जी मिश्रा जी आपको चुना है, मुरैना जनता ने, वो जनता तो लगा रही है फोटो आपके कि हमारा सांसद लापता हो गया है। तो भैया, जिस जनता ने चुनाव ड्यूटी निभाई है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप भाई, सांसद क्या चुनाव लड़ना है, किसको लड़ना है, आप क्या करो? अब खाली पीली सिरे के लिए आप यहाँ नोटरी कर रहे हो। मेरा ये कहना है कि विकास कार्यों में राजनीति नहीं होना चाहिए। 15 साल सरकार भाजपा की रही, हमने कभी अड़ंगबाजी नहीं की, हमने किसी मंत्री पर किसी विधायक पर हमला नहीं किया। पहली बार हुआ है कि भाजपा के लोग, युवा मोर्चे के लोग एक कांग्रेस विधायक पर हमला करने का काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, इस सबसे हमारे मनोबल पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी के मूल्य में आस्था रखते हैं, किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन इस शहर के विकास कार्यों की ड्यूटी हमारी है, सरकार की है, उस ड्यूटी को पूरा करने का काम करेंगे निश्चित तौर पर। पुलिस द्वारा काफी समझाइश के बाद भी भाजपा कार्यकर्ता यहां से नहीं हटे। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों में झड़प हो गई। धक्का मुक्की के साथ शुरू हुई ये झड़प जब नियंत्रित नहीं हुई तो पुलिस ने यहाँ कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसा दी। इससे पूरे प्रदर्शन स्थल पर अफरा तफरी मच गई। लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। लाठीचार्ज के बाद भी विरोध जारी रहा था तो पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। इसमें भी कई कार्यकर्ता घायल हुए। बाद में करीब 300 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया।
एक कार्यक्रम को लेके भाजपा ने अपना विरोध दर्ज कराने का आह्वान किया था, जिसको देखते हुए यहाँ पे पर्याप्त पुलिस व्यवस्था और प्रशासन की टीम मौजूद थी। और जिस तरह आपने देखा कि धरना प्रदर्शन के पश्चात वो लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी है और अभी गिरफ्तारी देके यहाँ से कार्यक्रम समाप्त करके चले गए। अभी हम देख रहे हैं पूरा घटनाक्रम कैसे क्या हुआ, उसके पश्चात भी बताता हूँ। माननीय विधायक जी को जानकारी नहीं थी इस रूट की, इसलिए वो इस रूट से आ गए थे जिसमें उनकी गाड़ी बिल्कुल फंस गई थी। बाद में उनकी गाड़ी को निकलवा दिया गया, विधायक जी को भी निकलवा के कार्यक्रम स्थल पर भेज दिया गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन था और उसमें मैंने विधायक जी भी बीच में आ गए थे, मिन्ना लाल जी, तो कुछ असहजी स्थिति बनी थी पर वो कंट्रोल की गई। अभी उनका विरोध था, विरोध में कुछ इस तरह की स्थिति बन गई थी जिसको कंट्रोल करने के लिए पानी भी छोड़ना पड़ा और जो है आंसू गैस भी छोड़नी पड़ी। अब उन लोगों ने गिरफ्तारी दे दी है, स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और कुछ समय बाद पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल। हाँ, भीड़ भाड़ थी वहाँ और उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर जो भी स्थिति निकल के आएगी उसमें इसकी सहायता। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए आगामी शिक्षण सत्र से गजराजा मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। यहां MBBS में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राएं स्मार्ट क्लास में पढ़ाई कर सकेंगे, बल्कि कॉलेज की लाइब्रेरी को हाईटेक किया जा रहा है। इससे छात्र छात्राओं को पता चल सकेगा कि मेडिकल फील्ड में वर्तमान में किस प्रकार की रिसर्च हो रही है और इनका समाधान के लिए क्या तकनीकी अपनाई जा रही है। जीवाजी यूनिवर्सिटी से जुड़े निजी और सरकारी कॉलेजों में इस बार भी परीक्षाओं की निगरानी CCTV कैमरे से नहीं होगी, इसलिए कि अंचल के 100 में से ज़्यादा परीक्षा केंद्रों ने न तो CCTV कैमरे ही नहीं लगाए हैं। जिन केंद्रों के पास कैमरे हैं उन्होंने अपने IP एड्रेस JU में जमा नहीं किए हैं, इस कारण उनकी JU के कंट्रोल रूम से निगरानी संभव नहीं है। करीब एक साल पहले उच्च शिक्षा विभाग इसके लिए आदेश जारी कर चुका है। हाल में भोपाल में आयोजित समन्वय समिति की बैठक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी कुलपतियों को निर्देश दिया है कि नकल रोकने के लिए सभी परीक्षाएं CCTV कैमरे की निगरानी में करवाई जाना चाहिए। JU UG पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षा 15 मार्च से आयोजित करेगा। इन परीक्षाओं में लगभग 80,000 छात्र भाग लेंगे। इससे पहले परीक्षा केंद्रों की कैमरे से निगरानी की स्थिति की जानकारी भी JU के अफसरों के पास नहीं है। गौरतलब है कि सबसे अधिक नकल की शिकायतें भिंड और मुरैना के परीक्षा केंद्रों से आती हैं। यहां छात्रों से नकल कराने के बाद कॉलेज संचालक 5,000 से 10,000 रुपए परीक्षा के दौरान लेते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर तैयारियों का पूरा प्लान निर्वाचन अधिकारी ने तैयार कर लिया है। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव में इस बार 19 लाख से ज्यादा वोटर 2,330 मतदान केंद्रों पर वोट करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारियों को 35,000 से ज्यादा मैन पावर की जरूरत है, जिसमें 28,000 का अमला तो है, शेष के लिए जरूरत बताई गई है। ज्ञात रहे कि लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द ही आचार संहिता लागू होने के साथ निर्वाचन आयोग शेड्यूल जारी करने वाला है। ग्वालियर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अफसर लगे हुए हैं और वोटर लिस्ट रिवीजन के साथ साथ EVM और VVPAT की फर्स्ट लेवल चेकिंग पूरी हो चुकी है। मंगलवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी ग्वालियर की तैयारी की जानकारी लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों की बैठक ली। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देश भर के साथ डबरा शहर में भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई थी। यहां सभी शिव मंदिरों में भक्तों का हुजूम तो उमड़ा ही, साथ ही महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिव बारात भी निकाली गई और देर रात से विवाह उत्सव मनाया गया। भगवान भोलेनाथ की बारात जवाहरगंज रोड अग्रसेन चौराहा से हो शहर के मुख्य चौराहे से होते हुए सराफा बाजार स्थित विवाह स्थल पर पहुंची, जहां माता पार्वती व भगवान शंकर का धूमधाम से विवाह संपन्न करवाया गया। अब हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया खबर लाइव के साथ।